हेलो दोस्तों नमस्कार आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे अफ दीडियो में आपका स्वागत है मैं आपका आपका साथी एजे, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बड़ा टेंशन कम करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे मित्र ये डिमांड कर रहे थे कि सर रिफाइनरी के प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन का एक वीडियो ला दीजिए तो उन सारे दोस्तों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें रिफाइनरी के प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन लाया है क्योंकि अगर आपको प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन का टेंशन सता रहा है एक पार्ट आपका जैसे कि आप सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं आप केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और एक पार्ट आपको टेंशन दे रहा है कि भाई अगर प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वहां पे फिर क्या होगा तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो जो टेंशन है वो कॉन्फिडेंस जो आपको प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के लो है वो कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बुस्टअप होगा इतना हमको अपने इस वीडियो पे पूरा भरोसा है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक दो क्वेश्चन नहीं दस बीस क्वेश्चन भी नहीं सौ, पचास सौ क्वेश्चन भी नहीं इस वीडियो में आपको कम से कम दो सौ पचास से ऊपर क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मैं मानता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं चलते हैं इस वीडियो की तरफ हाँ तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट बता दूं कि पूरे वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको 50 फुल फॉर्म मिलेगा रिफाइनरी यूनिट के ठीक है उसके बाद आपको लगभग 50 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए जो इंडस्ट्रियल फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है उस टाइप के उसके बाद आपको कलर कोड ऑफ पाइपलाइंस मिलेंगे उसके बाद कलर कोड ऑफ स्टोरेज टैंक्स मिलेंगे जैसे कि एलपीजी को किस कलर के स्टोरेज टैंक में रखते हैं नेफ्था को किस कलर के स्टोरेज टैंक में रखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस और इसमें आपको इस फुल फॉर्म्स और इसके अलावे 180 MCQ मिलेंगे। ठीक है और वो 180 क्वेश्चंस आपको यूनिट से जैसे सीडीयू से वीडियो से डीएचडीटी से एस से एच से डीएचडीएस से एफ से और सीसीआरयू से इन सारे यूनिट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पहले ही मैं बता चुका हूं घबराना नहीं है ठीक है तो अगर जिन दोस्तों के पास समय का आभाव है उनके लिए मैं इस वीडियो के नीचे आप लोग देख रहे हैं मैं अपना नंबर डाल दिया हूं वहां पे आप हमको मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अभी टाइम नहीं है जैसे कोई छोटा मोटा मोटा जॉब कर रहे होंगे किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में उनके पास पैसे तो होंगे बट उनके पास टाइम नहीं होंगे ठीक है तो उन दोस्तों के, के लिए खास करके अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं हो पाए मिल पाएगा तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां आपको पी अवेलेबल है बट पी डी पेड बेसिस पे है कितना चार्जेस है वो मैं आपको वहां व्हाट्सएप पे ही मैं आपको बातें करूंगा ठीक है तो अब बिना सबा गवाते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के तरफ सबसे पहले सीडीयू CDU. CDU का फुल फॉर्म क्या होता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट ठीक है एबू भी पूछे तो एटमोस्फेरिक वैक्यूम यूनिट उसके बाद आपसे पूछे का फुल फॉर्म क्या होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट FCCU का क्या होता है फ्लूडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट CCRU का क्या होता है कंटिन्यूस क्रैकिंग यूनिट डीसीयू का क्या होता है डिलेड कोकर यूनिट एच का क्या होता है हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट और एसआरयू का क्या होता है सल्फर रिकवरी यूनिट अगर मैं चाहता तो हर फुल फॉर्म से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता था बट अभी जैसे कि एक पेज में जैसे एक पेज में सात फॉर्म हो गए हैं जैसे आप देख रहे हैं अगर मैं सबका एमसीक्यू बनाता फुल फॉर्म यूनिट वाले का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता ठीक है इसलिए मैं फुल फॉर्म का एमसीक्यू नहीं बनाया हूं क्योंकि बहुत सारे हैं नेक्स्ट है है टी डीजल हाइड्रोट्रीटर पीपी ग्लाइकोलोलीप्रोप्लीन एनसीयू प्यूरिफाइड प्यूरिफाइडिक एसिड एक्स पैराजाइलिन एच डी पी हाई डेंसिटी पोलीथिलीन एल डी पी लो डेंसिटी पोलिथिलीन ठीक है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ इंडियन ऑयल का ही है ऐसा नहीं है इसमें आपको कुछ यूनिट्स ऐसे भी मिलेंगे ओवरऑल रिफाइनरी का है इसमें से बहुत सारे यूनिट हो सकता है आपको इंडियन ऑयल में ना भी देखने को मिले ठीक है पचास यूनिट है इसमें लिखा हुआ अब देखिए नेक्स्ट है डीएचडीएस डीजल हाइड्रोडीसल्फराइजेशन यूनिट ये सब यूनिट तो बिल्कुल आपको रिफाइनरी में मिलेंगे हर रिफाइनरी में पीएसए प्रेशर स्विंग एडजॉर्ब यूनिट एमएसक्यू मोटर स्प्रिट क्वालिटी अपग्रेडेशन ओ एम एंड एस ऑयल मोमेंट एंड स्टोरेज एच सी यू हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट एच डी एस यूनिट आइसूम आइसुमराइजेशन यूनिट एनएच टी नेफ्था हाइड्रो यूनिट एआरू एमिन रिजेनरेशन यूनिट ठीक है इसके बाद एम ई -E आर -E मार्केप्टन ऑक्सीडेशन यूनिट डीई ए -E डाईनॉल एमीन ट्रीटिंग यूनिट एमएसयू मैरक्सिटेनिंग यूनिट आरएफ जी रिफॉर्मुलेटेड गैसोलिन ब्लेंडिंग यूनिट एनएचडीएस नेफ्था हाइड्रोडिसल्फराइजेशन यूनिट एच सी यू ओलिफिन हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट और का आपको कहीं कहीं वंस थ्रू हाइड्रोकेगा रिकवरी यूनिट के एच यू किरोन हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट एस डी ए सोलभेंट डिस यूनिट सी टीयू कॉस्टिंग ट्रीटिंग यूनिट एनएसपिटिंग यूनिट इसके बाद एसीयू एलकाशन वैक्यूम गैस ऑयल यूनिट सीपीपी कैप्टिव पावर प्लांट एटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट डीयू डिस्फाल्टिंग यूनिट एलपीजी टी यू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रीटिंग यूनिट पीएसयू प्रेशर स्विंग यूनिट एच डी यू हाइड्रोक्रेकिंग डिसल्फ्राइजेशन यूनिट एलसीओयू लाइट साइकिल ऑयल यूनिट रिकवरी यूनिट जी डी एस यू गैसोलिन यूनिट एफडीयू फ्यूल डिसल्फ्राइजेशन यूनिट बीबीयू विस ब्रेकिंग विस ब्रेकिंग यूनिट विस ब्रेकर यूनिट ठीक है तो ये सब जो इंपॉर्टेंट हैं इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं बट जो इंपॉर्टेंट है उसमें से मैं पचास को सेलेक्ट करके यहां पर लाने का प्रयास किया हूं ठीक है ये तो था यूनिट का नाम इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है अब जैसे कि इसमें भी हर एक क्वेश्चन का एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता था बट मैंने वहां पे नहीं लाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करना था इसलिए मैं फुल फॉर्म को एमसीक्यू क्वेश्चन बना करके वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाने का प्रयास किया ठीक है एस टी एम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल एन एस आई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बीओकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी ऑक्सीजन डिमांड डी सी एस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम एच ए जेड एम ए टी हजारडस मेटेरियल रेस्पॉन्स डिविजन एच एस ई हेल्थ सेफ्टी इनवायरमेंट उसके बाद आपको जे से जॉब सेफ्टी एनालिसिस के एच डी एस किरोन हाइड्रोडिसलफर एल ई एल लोअर्व लिमिट एल एच एस बी लिक्विड आवरली स्पेस वेलोसिटी एम ई एस सी मेटेरियल एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड एंड कोड एम ए डब्ल्यू पी मैक्सीम एलाएबल वर्किंग प्रेसर एन एफ पी ए नैशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओ एस एच ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ पी एल सी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पी एफ डी प्रोसेस फ्लो डायग्राम पी एंड आई डी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम इसके बाद पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीएम या पीपीबी भी पूछे आपसे पार्ट पर मिलियन या बिलियन ओके okay? उसके बाद आर यू पी आई रेस्ट्यू अपग्रेडिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स आर एफ एल रिफाइनरी फ्यूल एंड लॉस आर पी एम रेवल्यूशन पर मिनट एस सी बी एफ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स स्टेल शॉर्ट टर्म एक्सप्लोसिव लिमिट यूल अपर एक्सप्लोसिव लिमिट वी एम एल एस एस वॉलेटाइल मिक्सड लीकर सस्पेंडेड सॉलिड ओके okay. इसके बाद डब्ल्यू ए बी टी वेटेड एवरेज बेड टेम्परेचर आईडीएल एच इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ एच बी एल आर एम हाई वैक्यूम लॉन्ग रेंज मॉनिटर बी एलईवी लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन आर एल रिलिक्विफाइड नेचुरल गैस एस एम पी एल सलाया मथुरा पाइपलाइन MPPL मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन अनकन्फाइंड बेपर क्लाउड एक्सपोजन ठीक है तो अच्छा और है उसके बाद डब्ल्यू एच एस बी वेट आवरली स्पेस फेलोसिटी डब्ल्यू डब्ल्यू टी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ओ आई एस डी ऑयल इंडस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टोरेट बीबीएसएम बिहेवियर बेस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट बीजीएमएस वेंट गैस मॉनिटरिंग सिस्टम एपीजी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्टिक्स ठीक है तो इस तरह से इतने सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो वीडियो के के स्टार्टिंग में में ही के में ही हाईलाइट बता दिया था कि पहले आपको यूनिट बेस्ड फुल फॉर्म्स मिलेंगे उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मिलेंगे इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो अब यहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल 180 क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है ना तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सी डी यू इन ए रिफाइनरी तो अब देखिए अब मैं क्वेश्चन जैसे अभी से पहले वाले वीडियोस में क्या करता था क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी मैं सब देख पढ़ता था लेकिन वीडियो बहुत बड़ा है ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं बस क्वेश्चन और आंसर बोलूंगा और आंसर देखिए इसका आंसर जो है वो बी है ठीक है तो इसमें मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा सिर्फ आप, आपको आंसर ही बताऊंगा टू सेपरेट क्रूड ऑयल इन टू वेरियस फ्रैक्शन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने एक सौ अस्सी क्वेश्चन है तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ठीक है ना तो अब देखिए अब आप कहेंगे कि सर देखिए इसमें आपको इसमें जो राइट आंसर है वो भी यहां पे मैं ग्रीन कलर का भी कर दिया हूं क्योंकि जो दोस्त वीडियो देखेंगे वो डायरेक्ट अपना आंसर देख लेंगे समझ जाएंगे ठीक है और कुछ दोस्त जैसे बोलेंगे कि सर आंसर तो आप कलर कर ही दिए हैं ग्रीन कलर से फिर आंसर ऊपर में लिखने की क्या जरूरत थी तो मान करके चलिए जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखेंगे जिनको पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए तो उनके लिए कलर तो रहेगा लेकिन कुछ दोस्त क्या करते हैं कि उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये सब ब्लैक हो जाएगा इसलिए आपको ऊपर में आंसर होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ दोस्त उसका प्रिंट आउट भी निकलवाते हैं पीडीएफ लेकर के हमसे तो इसलिए पीडीएफ जो दोस्त लेंगे उनको ध्यान में रखते हुए हमने ऊपर में आंसर लिखा है ठीक है और जो दोस्त वीडियो देखेंगे उसके लिए यहां पर मैंने आंसर लिखा है तो क्वेश्चन है वाई इज वैक्यूम अप्लाइड इन ए वैक्यूम डिस्टिलेशन विडियो ठीक है तो इसका जो तो राइट आंसर है वह है टू प्रिवेंट थर्मल क्रेकिंग ऑफ हैवी रेसिड्यू ठीक है बी जो है इसका राइट आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हाइड्रोडिसल्फराइजेशन यूनिट एच डी एस इज टू प्राइमरी पर्पस जो है डी एस यूनिट का क्या है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है रिमूव सल्फर कंपाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शन ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रोडक्ट ऑफ डिलेट कुकर यूनिट डीसीयू तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी कोक ठीक है

HCU जो है ग्रेटर कन्वर्जन ऑफ हैवी फीड स्टॉक इनटू लाइटर प्रोडक्ट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लॉस प्रोसेस इन सल्फर रिकवरी यूनिट SRU इज यूज्ड टू कन्वर्ट तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू एलिमेंटल सल्फर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेफ्था हाइड्रोTreating यूनिट NHT प्राइमरी रिमूव्स व्हिच इंप्योरिटी फ्रॉम द नेफ्था तो इसका जो राइट right आंसर है वो है सल्फर ओके okay? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है the purpose of a amine regeneration unit, ARU, is इसका इसका है जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कैटलेटिक रिफॉर्मिंग यूनिट कैटलेटिक रिफॉर्मिंग यूनिट का पर्पस क्या है तो इसका राइट right आंसर है वो है बी टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ द सोलिन ओके उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फीड स्टॉक फॉर वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रोडीसल्फराइजेशन यूनिट भीजीओ एच डी एस ठीक है तो इसका जो फीड है वो है वैक्यूम गैस ऑयल ऑप्शन सी ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरोमेटिक रिकवरी यूनिट ए आर यू इज डिजाइन टू रिकवर विच कंपोनेंट फ्रॉम द रिफॉर्मेट तो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी बेंजीन टोलवीन एंड जाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरी यूनिट इज डिजाइन टू रिमूव इंप्योरिटीज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम रिफाइनरी गैसेस। तो इसका राइट right आंसर है एमिन ट्रीटिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिफाइनरी द नेफ्था हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट एन एच यू इज प्राइमरली यूज टू ऑप्शन बी रिमूव सल्फर नाइट्रोजन एंड अदर इंप्रिटीज फ्रॉम द नेथा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफाइनरी यूनिट इज स्पेशली यूज्ड टू इंक्रीज द इल्ड ऑफ मिडिल डिस्टिलेट लाइक डीजल एंड जेट फ्यूल तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइड्रोक्रैकर यूनिट अब देखिए अब कुछ दोस्तों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर पढ़ रहे हैं तो इसको एमसीक्यू टाइप बनाने का क्या मतलब हुआ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं आपको दोस्त ये बात बता देना चाहता हूं कि जो दोस्त पीडीएफ लेते हैं एक बार तो वीडियो वो देख लेंगे एक बार देखने से याद तो होता नहीं है बाद में रिवीजन करने के लिए जब आप उसको खुद से प्रैक्टिस सेट टाइप का लगाएंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि मैं ऑप्शन क्यों दिया हूं ठीक है तो रिवीजन करने के लिए आपका तैयारी बेटर हो इसके लिए इसके लिए मैं ऑप्शन लेकर के आया हूं ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका राइट आंसर है फ्लूडाइज कैटलेटिक क्रैकिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफाइनरी यूनिट इज यूज टू ट्रीट एंड ट्रीट एंड क्लीन यूज स्टोर दियर एक्टिविटी तो इसका राइट right आंसर है कैटलिस्ट यूनिट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ मेरॉक्स यूनिट इन रिफाइंड यूज टू स्वीटन एलपीजी एंड लाइट नेपथा बाय रिमूविंग मार्केपट ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफाइनरी यूनिट इन ए रिफाइनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है स्टीम क्रैकिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिफाइनरी द पर्पस ऑफ एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट एडीयू यू इज डिस्टिल क्रूड ऑयल इनटू लाइटर फ्रैक्शन एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ डिस्फाल्टिंग यूनिट इन रिफाइनरी इज टू रिमूव एस्फाल्टिन फ्रॉम द हेवी ऑयल रेसिड्यू विच रिफाइनरी यूनिट इज प्राइमरी यूज टू कन्वर्ट लाइट ओलिफिन इनटू हाई ऑक्टेन गैसोलिन कंपोनेंट, तो इसका राइट आंसर है एल्काइलेशन यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोलिवेंट एक्सट्रेक्शन यूनिट इन रिफाइनरी इज टू ऑप्शन बी एक्सट्रेक्ट एरोमेटिक्स फ्रॉम और अदर स्ट्रीम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफाइनरी यूनिट इन डिजाइन टू प्रोसेस द हेवीएस्ट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल दैट कैन नॉट बी डिस्टलेट राइट आंसर है डिलेट कुकर यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इन ए रिफाइनरी द पर्पस ऑफ हाइड्रोट्रीटर यूनिट इज टू right answer. i remove impurities like sulfur, nitrogen, and metals from the hydrocarbon stream. next question. which of the following unit is used to produce high purity hydrogen in a refinery? right answer. steam methane reforming unit, smr. next question. which unit is primarily used to reduce the sulfur content in diesel fuel to meet regularly regulatory standard hydrogen desulfurization unit the purpose of a stripper unit in a refinery unit is remove light hydrocarbons from heavier liquid stream which refinery unit is used to remove dissolved hydrogen sulfide and carbon dioxide from the gases right answer amine gas treating unit Next question in context of refinery operation what does the term sweetening refers to option C removing or converting mercaptans to the improve the order and quality for the petroleum product Next question which of the following color is generally used for the pipeline carrying acid option C purple Which color is commonly used associated with pipeline carrying hazardous fluid? Orange Pipelines carrying non-hazardous fluid are generally marked with green color. Which color is often used for the pipeline carrying oxygen? White What color code is usually used for pipeline transporting fuel oil? ऑयल के लिए ब्लैक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कलर इज यूज्ड टू फॉर पाइपलाइन कैरिंग आउट क्रूड ऑयल इसका भी ब्लैक पाइपलाइंस कैरिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल आर टिपिकली मार्क्ड विथ ग्रे कलर what color code is used for pipeline carrying sulfur dioxide? sulfur dioxide is gray color. okay. what color is typically used for pipelines carrying demineralized water? white. what color is commonly used for pipeline transporting fire extinguishing agent? red. Pipelines used for transporting high pressure gases often marked with green color. What color is typically used for pipelines carrying ethylene? Blue color. What color is commonly used for pipelines transporting air, compressed air? Compressed air, ke liye? light blue. What color is typically used for pipeline transporting natural gas in, in industrial settings Natural gas ke liye yellow color What color is commonly used for pipeline carrying carbon monoxide gray color Pipelines transporting chemical that are highly corrosive are typically marked with which color purple इपलाइंस ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट आर यूजली मार्क् विथ विच कलर ऑप्शन ए ब्राउन कलर और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिस सेट में पांच पांच क्वेश्चन भी पाइपलाइंस से डाला ये, कलर कोड ऑफ पाइपलाइन से डाला था तीन प्रैक्टिस सेट में अगर आप अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेट मिस हो गया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक, एक प्ले लिस्ट भी डाल दिया हूं जहां पे आपको सारा प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो मिल जाएगा ठीक है अगर आप देखे हैं तब तो कोई बात ही नहीं Next question है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइंस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोगैस आर टिपिकली पेंटेड विथ ग्रीन कलर पाइपलाइंस कैरिंग एसिटिलीन आर टिपिकली मार्कविथ एसिटिलीन वाले को व्हाइट से कलर किया जाता है पाइपलाइंस कैरिंग एसिटिलीन ये तो हो गया व्हाइट व्हाट कलर इज जनरली यूज फॉर पाइपलाइन कैरिंग फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड के लिए ऑप्शन ए रेड पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल गैसेस फ्यूल गैसेस के लिए येलो व्हाट कलर इज टिपिकली यूज्ड फॉर पाइपलाइन कैरिंग अल्कोहल अल्कोहल के लिए ब्लू कलर व्हाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर एलपीजी पाइपलाइंस येलो कलर अब देखिए अब यहां से स्टोरेज टैंक का शुरू हो गया व्हाट इज स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर एलपीजी स्टोरेज टैंक येलो कलर व्हाट कलर इज कॉमनली यूज फॉर टैंक स्टोरिंग गैसोलीन रेड कलर टैंक यूज फॉर स्टोरिंग डीजल ब्लैक कलर What color is used for tank storing kerosene? Blue color. What color is generally used for tank containing fuel oil? Gray color. What color is typically used for tank storing propane? Blue. Tank used for storing benzene are generally marked with which color? Red. वॉट कलर इज यूज फॉर टैंक कंटेनिंग एविएशन फ्यूल लाइट ब्लू वाट कलर इज यूज फॉर टैंक स्टोरिंग मेथेनॉल ब्लू टैंक यूज फॉर स्टोरिंग कॉस्टिक आर टिपिकली मार्क्ड विथ कॉस्टिक के लिए येलो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी ठीक है भी इसका राइट right आंसर है यहां पे लिखा हुआ सिक्सटी थ्री का ए, उसमें कलर करने में मिस्टेक हो गया ये, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक स्टोरिंग नेफ्था आर जनरली मार्क विथ विच कलर रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर टैंक कंटेनिंग अस्फाल्ट ग्रे वाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर टैंक स्टोरिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस एल एनजी ग्रीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर टैंक स्टोरिंग मिथाइल इथाइल कीटोन बी ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएसडी प्रोसेस विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज फॉर फैसिलेटिंग द हाइड्रोक्रैकिंग रिएक्शन अब देखिए ये आपको अब कलर कोड से खत्म हुआ अब यहां से आपको यूनिट वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया जैसे आप डीएचडीटी से स्टार्ट हो गया है तो इसका राइट आंसर है निकेल और मोलीबेडम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ द डीजल हाइड्रोट्रीटर यूनिट डीएसडीटी का बाय प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड इन द डीएसडीटी प्रोसेस व्हाट रोल डज हाइड्रोजन प्ले इट प्रमोट्स द रिमूवल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड व्हाट इज द कॉमन ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर द डीजल हाइड्रोट्रीटर डीएसडीटी प्रोसेस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर what type of reactor is commonly used in the diesel hydrotreater process? fixed bed reactor. which reaction is primarily facilitated by the diesel hydrotreater process? dsdt process. hydrogenation. which byproduct gas is commonly produced in diesel hydrotreater dsdt process? carbon. डायऑक्साइड व्हाट टाइप ऑफ हिड स्टोक प्री ट्रीटमेंट इज ऑफ एन रिक्वायर्ड बिफोर द डीजल हाइड्रोटिटर प्रोसेस डीएस डिस वाट इज द कॉमन टेम्परेचर रेंज फॉर डीजल हाइड्रोटिटर डीएसडीटी प्रोसेस का कॉमन टेम्परेचर रेंज क्या है ऑप्शन ए दो सौ पचास से चार सौ वट इफेक्ट डज डीजल हाइड्रोट्रीटर डीएसडीटी प्रोसेस हैव ऑन है कंटेंट ऑफ डीजल फ्यूल डिक्रीज कंटेंट वाट इज द टिपिकल प्रेशर रेंस इन ऑफ द डीजल हाइड्रोट्रीटर डीएसडीटी का तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी दस से पचास बार ओके What is the common method for removing the byproduct of the DHDT process, such as hydrogen sulfide? Absorption in caustic wash. What is the typical catalyst deactivation cause in diesel hydrotreater DHDT process? High sulfur content in feed. what impact does the dsdt process have on diesel pore point pore point go the pore point what is the significance of maintaining a high hydrogen to oil ratio in diesel hydroteter process dsdt to prevent coke formation on the catalyst ट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज इन एफ सीसीयू प्रोसेस जियो अब देखिए डीएसडीटी का हो गया उतना क्वेश्चन अब एफसीसीयू के क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन है इन द एफसीयू प्रोसेस व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिजेनरेटर टू रि द कैटलिस्ट बाय बर्निंग ऑफ द कोक डिपोजिट विच ऑफ द फॉलोइंग ज ए की ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इन एफ दैट डायरेक्टली इंफ्लुएंस द प्रोडक्ट इल्ड तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी रिएक्शन टेम्परेचर व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन एफ सीसीयू रिएक्टर चार सौ पचास से पांच सौ पचास इन एफ सीसीयू प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइजर To mix the feedstock with catalyst and initiate ca cracking reaction. What is the role of steam in FCCU process to strip hydrocarbons from the spent catalyst? How does the coke formation on catalyst affect the FCCU process? It decreases the catalyst activity and requires regeneration. What type of cracking primarily performed in FCCU? Catalytic cracking. What is main advantage of using zeolite catalyst in FCCU? Higher selectivity towards gasoline production. What is the primary role of air blower in FCCU process? To provide air for burning coke in the regenerator. What is the main function of the cyclone separator in FCCU to separate catalyst particle from the cracked vapor? How does an increase in riser velocity affect the FCCU process? Option B It reduces the con contact time between the feedstock and catalyst. Which component in the FCCU helps in minimizing the carryover of fine catalyst particle into the fractionator? साइक्लोन सेपरेटर। वाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग प्रोमोटर इन कैटलिस्ट टू एफ द क्रैकिंग एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन व्हाट इज द टिपिकली डन विद द डिडियो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम सीडीयू। अब देखिए अब यहां से सीडीयू के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आप जब देखे कि जब यूनिट वाइज स्टार्ट किया था तो पहले डीएसडीटी का मिला आपको फिर एफसीयू का मिला अब यहां से आपको कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू जो है वो सीडियू के मिलेंगे ठीक है इट इज फर्दर प्रोसेस्ड इन वैक्यूम डिस्लेशन यूनिट वीडियो वाट इज द फॉलोइंग फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन इन द सीडीयू रिफ्लक्स रेशियो What is the role of overhead condenser in CDU? To cool and condense the overhead vapor into liquid fraction. What type of distillation column is typically used in CDU? Atmospheric column. Which of the following is typically a byproduct of CDU process? heavy fuel oil what is the typically temperature range of, C of the cdu distillation column 350 to 450 in the cdu process which component is typically used to increase the efficiency of heat transfer in the column reboiler What is the primary function of side draw in CDU column? CDU column side raw ka To extract a specific boiling range fraction from the column. Which fraction from the CDU typically has a highest boiling point? Reshidum. What is the common method for improving the separation efficiency in CDU column? Adding more tray or packing material in the column what happens to overhead distillate in CDU if reflux ratio is increased the distillate becomes heavier how does the use of desalter upstream of the CDU benefit the desalting process reduces the risk of corrosion in the column what is the function of a stripping section in CDU distillation column to remove the lighter component from the bottom fraction which of the following is major challenge associated with operating the operation of the cdu corrosion due to acidic component in the crude which of the following factor can lead to foaming in cdu column presence of impurities in crude oil वाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डेमिस्टर इन सी डी यू इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टू इंक्रीज द रिफ्लेक्स रेशियो सॉरी सॉरी ये गलत हो गया इसका जो राइट आंसर है यह है टू रिमूव वाटर टू प्रिवेंट लिक्विड कैरी ओवर इन द ओवरहेड वेपर इसका आंसर जो है वो बी है ठीक है क्वेश्चन है हाउ डज द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन क्रूड क्रूड ऑयल अफेक्ट द दीड्यू ऑपरेशन इसका आंसर भी है लीड टू क्रोजन एंड पोटेंशियल डैमेज टू द इक्विपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिपिकली कंसिक्वेंस ऑफ पुअर डि इन सीड्यू प्रोसेस इंक्रीज द कोरोजन एंड फॉलिंग इन द कॉलम Which of the following actions can help to reduce foaming in CDU distillation? Adding anti foaming agent. What is the purpose of the top tray in CDU distillation column? To ensure proper distribution of reflux.

विच केटलिस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन सीसीआर यू प्रोसेस ऑप्शन है प्लेटिनम बेस्ड ठीक है ऑप्शन ए क्या है प्लेटिनम बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन सी सीआरयू यह हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सीआर वाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग रिजनरेटर रिजेनरेटर का क्या काम है टू रिमूव कोक डिपोजिट फ्रॉम द कैटलिस्ट वॉट इज द प्राइमरी फीड स्टॉक फॉर द सीसीआर नेफथा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन सीसीआर प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन What role does hydrogen play in CCRU process? It acts act as a reactant in dehydrogenation reaction. What is common method for regenerating the catalyst in CCRU? Oxidizing the coke deposit. What is the typical temperature range in CCRU zone? 500, 500 Which type of reactor is commonly used in CCRU process? Fixed bed reactor. Why is hydrogen typically recycled in CCRU process to minimize hydrogen loss and improve overall efficiency? What is the main effect of increasing the space velocity in CCRU? Lower catalyst efficiency. What type of catalyst is commonly used in CCRU for dehydrogenation reaction? Platinum. How does the CCRU process affect the aromatic content of the naphtha feed? It increases the aromatic content. What is the main reason of using a high temperature shift reactor in some CCRU system to convert the carbon monoxide to the carbon dioxide? In CCRU process, what is the typical effect of increasing the exposed velocity of the feed? Reduced reaction time and lower octane yield. What is the typically operating pressure range of the CCRU? Thus atm. What is the primary chemical reaction occurring in the CCRU to convert naphthene into aromatics? Dehydrocyclization. What is the main purpose of isomerization reaction in CCRU process? To increase octane rating of the gasoline. Product of CCRU reformate, which is undesirable reaction of CCRU hydrocracking. वट इज द मेन मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल फ्रिक्शन इट एनहस द कार्बन रेसिड्यू अब यहां से क्वेश्चन चल रहा है विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज टू क्रिएट वैक्यूम इन वीडियो बोथ एर बी मतलब स्टीम इजेक्टर और वैक्यूम पंप दोनों वॉट इज टिपिकली डन विद्यूम रेसिड्यू ऑबेन फ्रॉम द वीडियो It further processed in delayed cooker. The bottom product of a from a video, often called vacuum residue, is commonly used for which of the following purpose? So, option B, asphalt production. What is the typical temperature range at which at which vacuum distillation is carried in video 350 to 450 in video what is the purpose of using steam injection during the distillation process option b to help strip lighter component from the feed which of the following is common method for reducing pressure drop in a video distillation column using structural packing instead of tray what is the primary function of the overhead condenser in video to cool the condense the vapor coming from the distillation column in video what is the impact of increasing the vacuum level loading the pressure on the boiling point of the hydrocarbon boiling point decreases Which of the following factor can lead to falling in video? High sulfur content in feedstock. Which of the following catalyst is commonly used in DSDS process? CoMo, cobalt molybdenum on alumina. वाट इज द टिपिकल ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इन डीएचडीएस रिएक्टर अब देखिए यहां से अब डीएचडीएस का स्टार्ट हो गया यह भी डीएचडीएस का ही था अच्छा हाँ यहाँ से एक सौ इक्यावन से डीएचडीएस का शुरू है वाट इज द टिपिकली ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इन डीएचडीएस रिएक्टर बीस से पचास बार Which gas is used as a reactant in DSDS process to remove sulfur from the diesel? Hydrogen. What is the main sulfur-containing compound in diesel that the DSDS process aims to remove? Thiophene. What is the primary byproduct formed during the DSDS process? Hydrogen sulfide. What is the main impact of removing sulfur from the diesel fuel using the DSDS process? Option C reduce emission of the sulfur oxides. Which of the following factors can adversely affect the efficiency of the DSDS process? Excessive catalyst deactivation. What role does hydrogen play in DSDS process? It reacts with sulfur compound to form H2S what is typically temperature range in dsds reactor how does the presence of nitrogen compound in feed affect the dsds process they can poison the catalyst reducing its activity what is the purpose of amine treating treatment unit in relation to the dsds process to remove hydrogen sulfide from the gas stream what is the following is, which of the following is a potential consequence of the operating of DSDS reactor to high temperature, increased formation of coke on the catalyst? What, uh, what is the typical pressure range of DSDS process? 20 to Which of compound is typically used as promoter in DSDS catalyst to enhance the, their performance? रिएक्टर टू सेपरेट हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द ट्रीटेड डीजल वॉट इज द टिपिकल हाइड्रोजन कंजम्सन रेट इन डीएसडीएस प्रोसेस एक से तीस मीटर क्यूब हाइड्रोजन पर मीटर क्यूब ऑफ फीड What kind of reactor is commonly used in DSDS process? Fixed bed reactor. How does the presence of aromatic compound in the diesel feed affect the DSDS process? Aromatic increase the hydrogen consumption. In DSDS process why it is important to avoid oxygen exposure in reactor system? Oxygen can cause oxygen deactivation through the oxidation. What is the main purpose of using a desulfurization unit in DSDS process? To remove sulfur compound to meet uh, environmental regulation. Next question: hai, Which of the following process is commonly used in HGU process hydrogen? Steam methane reforming. Next question: hai, What is the typical feedstock for the steam methane reforming process in HGU? Natural gas. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन मेथड फॉर प्यूरिफाइंग हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन एच जी यू इन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस व्हाट इज द मेन रिएक्शन फॉर प्रोड्यूशन हाइड्रोजन अब ये एचजीयू क्या क्वेश्चन आपको यहां से आ रहा है अब ये सब इसका राइट आंसर है वो है बी व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विंग एड्जॉर्बन unit in hgu to purify hydrogen by separating it from the other gas what is the common catalyst supporting material used in a steam reforming process alumina what is typically temperature range of a steam reforming reaction in hgu in hydrogen generation unit what is the primary purpose of shift converter टू कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजनशन इन दाइड्रोजन जेनरेट इज द रिफॉर्मर रिफर टू द रिएक्शन दट कट हाइड्रोकार्बन एंड एटीम इंटू हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस तरह से आपको आज का एक सौ अस्सी क्वेश्चन में बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से लेकर के गया ठीक है और इसमें आपको यूनिट वाइज था अभी प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है जैसे एलपीजी से रिलेटेड कभी पूछ क्वेश्चन पूछ देता है कि उस और कभी डीजल से रिलेटेड पूछ देता है उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है तो इस टाइप का मैं प्रोडक्ट की रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो उसका जो स्पेक्ट स्पेसिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप कोशिश करूंगा कि मैं लेकर के आऊं ठीक है तो आपको हमारा चैनल क्विज ऑफ द डे डिविथ एजे का कंटेंट अगर हेल्पफुल लगा तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्योंकि जितने ज्यादा दोस्त हमारे वीडियोज को देखेंगे उतने ही ज्यादा मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर के आऊंगा ओके okay? क्योंकि जितने ज्यादा दोस्त देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद